सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा जहां पे आप लोग क्लिक करेंगे ये आपको जो है प्ले स्टोर पे यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा और उसके बाद में आप लोग जो है इस एप्लीकेशन को जो क्रिप्टो एप्लीकेशन है इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे अगर आप लोग यहाँ पे मोबाइल के ऊपर साइन अप कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहां पे मेरे को अभी जो शो रहा है यहाँ पे ओपन होकर आ रहा है तो मैं जो है ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ तो आप लोग को इस ऑप्शन पे जो है इंस्टॉल के ऑप्शन दिखेगा तो आप लोग क्लिक करेंगे जैसे आपका जो ये एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद में आप लोग यहाँ पे जो है ओपन के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आप लोग जो अकाउंट आपका नहीं है क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो अगर आपके पास में अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लोग यहाँ पे लॉग इन एंड जो है ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पे आप लोग यहाँ पे लॉग इन करेंगे एंड अगर आप लोग मोबाइल नंबर पर साइनअप करते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर जो है लॉग इन यहाँ कर सकते हैं तो हम लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो हम लोग जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद में जो है ये एक फॉर्म आप लोग को यहाँ पे दिखेगा तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर जरूरी यहाँ पे होता है तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है नाम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे मोबाइल नंबर आप जो है वो आपको ऐड करना है एंड ई मेल जो आप लोग यहाँ पे एक्सचेंज और यूज करते हैं उसको मत दीजिए एक सेपरेट ई मेल अगर आप चाहे तो यहां पर सेफ्टी के लिए बना के यहां पर दे सकते हैं नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है एंड यहां पर देख सकते हैं इसके नीचे जो आप लोग को यहां पर दिखाया गया है यहाँ पे इन्होंने जो है एट जो है कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए एंड एक नंबर जो है आपके पास में यहां पर होना चाहिए एंड वन जो है स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे आप लोग के पास में होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर मतलब यहाँ पे जो है हाशटैग हो गया एंड आर हो गया ये जो है आप लोग के पास में एक होना चाहिए एंड वन ऊपर क्लास मतलब स्मॉल लेटर तो आप लोग इसको जो है आप लोग यहां पे क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद में आप आप लोग लोग को को एक जो है ये पासवर्ड बना लेना है एंड एम पिन जो है यहाँ पे फोर डिजिट की जो है एम पिन आप लोग यहां पे रख सकते हैं जैसे फोर सेवन एट नाइन जो मैं यहां पे बता रहा हूं ऐसे मत रखिए तो आप लोग एक न्यू जो है आप लोग क्रिएट कर सकते हैं आपके हिसाब से उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे रेफर कोड जो है ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहा मिल जाएगा या तो आप लोग को यहाँ पे जो शो हो रहा है उसी रेफर कोड को आप लोग यहाँ पे यूज कीजिए ताकि जो है आप लोग को यहाँ पे जो है रेफरल बोनस जो है आप लोग को यहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट उसकी आप लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है ठीक है फ्रेंड्स तो अभी हम लोग इसको फिलअप करते हैं उसके बाद में हम लोग जो है इसी रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद की प्रोसेस आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ पे दो ओ टी पी जाएगा ई मेल आई डी पे एंड जो फोन नंबर पे आप लोग को यहाँ पे फिलअप करना जैसे है जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन के ऊपर ई मेल आई डी के ऊपर एंड जो है मोबाइल नंबर के ऊपर जो ओ टी पी जाएगा उसको डालेंगे तो आप लोग का जो है अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में आप लोग यहाँ पे जो है के वाई सी सेक्शन में यहाँ पे जा सकते हैं एंड यहाँ पे जो है अपना के वाई सी कर सकते हैं यहाँ पे वन बाई वन ऑप्शन के ऊपर हम लोग जाते हैं एंड यहाँ पे आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं तो जैसे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पैन कार्ड में आपका जो फुल नेम है आप लोग को यहाँ पे फिलअप करना है एंड डेट ऑफ बर्थ जो है पैन कार्ड के ऊपर होगा उसको आप लोग को देना है अभी इसलिए आप लोग इंडियन है तो आप लोग का इंडियन यहाँ पे सिलेक्टेड होगा एंड आपका जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे देना है एंड पैन कार्ड की इमेज जो है वो आप लोग को यहाँ पे जो है अपलोड कर देना है ठीक है तो अपलोड करने के बाद में आप लोग यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आप लोग को जो है एड्रेस प्रूफ में आप लोग यहाँ पे आएंगे तो एड्रेस प्रूफ में आप लोग अपना जो है एड्रेस की जो आधार आधार कार्ड आधार कार्ड है उसको आप लोग यहाँ पे यूज़ करके आप लोग यहाँ पे जो है फिलअप कर सकते हैं सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड है अंडर जो है पासपोर्ट है एंड वोटर आईडी कार्ड है तो आप लोग यहाँ पे जो है आधार कार्ड की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जो है आप लोग आधार कार्ड की डिटेल्स जो है आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं जो बहुत ही इजी यहाँ पे होता है एंड फ्रंट एंड बैक की जो है इमेज आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है एंड सबमिट के ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना है तो नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर सेल्फी है आप लोग को यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग सेल्फी को कैसे लेंगे अपलोड योर सेल्फी आप लोग एक आई प्रूफ के साथ में आप लोग कैसे पकड़ के रहेंगे एंड कोई किसी को आप लोग दे सकते हैं जो भी आप लोग को यहाँ पे खींच लेगा आपकी जो सेल्फी तो आप लोग जो है यहाँ पर अपलोड इसको कर लेंगे ठीक है तो इसके ऊपर जो है हम लोग लाइव के वाई कैसे अपलोड करते हैं उसके ऊपर वीडियो लाएंगे लेकिन ये बहुत सिंपल है अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट में काम करते हैं या तो अभी ऑनलाइन में आप लोग कहीं पर भी काम करते हैं तो बहुत सिंपल प्रोसेस है एंड यहाँ पे जो है आप लोग को रेफरल सिस्टम के अंदर आप लोग को जाना है एंड यहाँ पर अपना जो रेफरल कोड है उसको आप लोग अदर किसी के साथ में शेयर कर सकते हैं एंड आपकी ए, आपकी ज्वाइनिंग लिंक से अगर कोई ज्वाइनिंग होता है एंड आपका जो रेफरल कोड कोई यूज़ करता है तो आप लोग देख सकते हैं अगर के इंस्टेंटली जो है फिफ्टी रुपीज़ की आप लोग को यहाँ पे क्रिप्टो मिल जाता है एंड अगर वो के कंप्लीट करता है तो आप लोग को जो है फिफ्टी रुपीज़ यहाँ पे मिल जाता है एंड फास्ट ट्रेड के ऊपर भी यहाँ पे जो है मिलता रहता है तो ये है जो पूरा जो सेटअप है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं अपना जो है अकाउंट को बना के एंड यहाँ पे फिफ्टी रुपीज़ की विनिंग भी आप लोग अगर आप लोग नेटवर्क है तो आप लोग इसको भी शेयर करके आप लोग यहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं